डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास नाइन्थ के लिए। क्लास नाइन्थ के लिए हम लोग साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, नाइन्थ क्लास में हम लोग जो साइंस में पढ़ रहे थे वो चैप्टर मोशन को पढ़ रहे थे, मोशन चैप्टर। अब मोशन चैप्टर में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ा, उसको प्रूव भी किया, उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी किया। चलिए अब आइए आते हैं, चूँकि एनसीईआरटी के उसके बीच में कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, एनसीईआरटी के बीच में कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, उन जरा क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखा जाए। अगर मान लिया जाए किसी के पास किताब ना हो, इसलिए क्वेश्चन लिखिए, फिर हम उसका सॉल्यूशन देते हैं। क्वेश्चन है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square 0.1 meter per second square for 2 minutes. Then find उसके नीचे find के नीचे A और B दो क्वेश्चन है। पहला में स्पीड और दूसरा में डिस्टेंस। चलिए अब ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में देखिए, ये क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला कि एक बस जो है स्टार्टिंग हो रहा है रेस्ट, यानी रेस्ट से स्टार्टिंग होना का मतलब क्या, गिवन है इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट से स्टार्ट होता है चलना, तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कितना लेते हैं, 0। फिर क्या बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो मूव करने लगा, जिसका एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना टाइम लिया, वो टाइम का वैल्यू दिया 2 मिनट। तो हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 × 60 यानी कि 120 सेकेंड का टाइम लिया होगा। अब हमें क्या बोल रहा है कि पहला में स्पीड निकालिए। स्पीड का मतलब क्या, पहला सवाल बोल रहा है कि वैसा स्पीड जो फाइनल वेलोसिटी है, वही स्पीड पूछ रहा है। तो v का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग v का फार्मूला जानते हैं, चूँकि सिंस v बराबर u प्लस at, तो u के जगह पे कितना रखेंगे, 0। ये फार्मूला होता है, हम लोग प्रूव भी किए हैं। a के जगह पे 0.1 इंटू टी, टी के जगह पे 120। तो इस तरीके से 0 और 120 को 0.1 से गुना करेंगे तो 12, तो 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये फाइनल वेलोसिटी। दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा सवाल में b का सॉल्यूशन बोल रहा है, आप s का वैल्यू निकालो। तो s का फार्मूला सिंस लिखिएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u का वैल्यू कितना होगा, तो u का तो वैल्यू 0 है, टाइम लग रहा है 120 सेकेंड, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, a का वैल्यू दिया है 0.1, तो यहाँ 0.1 रखिए, और t का स्क्वायर करना है, तो t कितना है, 120, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना बन रहा है, 0 प्लस हाफ इंटू 0.1 इंटू 120 का स्क्वायर कितना होगा, तो इतना होगा, ठीक है। अब जरा देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 का 0 रह गया प्लस, अब 0 का 0 रह गया प्लस, अब यहाँ पे वैल्यू इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा 1/2 इंटू 0.1 को इतना से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 1440, ठीक है। अब ये 2 से कितना बार में कटेगा, तो 2 7 जा 2 2 जा, यानी टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 720 मीटर में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमें, तो क्वेश्चन बोल रहा था कि आप दूसरा में डिस्टेंस निकालिए, और पहला में बोल रहा था कि आप स्पीड निकालिए। स्पीड का मतलब फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग भी बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग, ये पहला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, कैसे होता है सॉल्यूशन, तो उसको हम लोग सीखते हैं। तो चलिए
अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा जाए, हम बोल रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, आप पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए फिर उसका हम आंसर बताते हैं। लिखा जाए क्वेश्चन, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर ब्रेक्स मैंने ब्रेक लगाया जाता है उस पर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 m/s2। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्राउट टू रेस्ट। चलिए अब इसका सॉल्यूशन हम जरा समझाते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए कि इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से तरीके से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इस क्वेश्चन को कैसे हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ट्रेन है और वो स्टार्ट करता है, यानी कि एक ट्रेन है वो चलना शुरू करता है। तो कोई भी ट्रेन अगर चलना शुरू करता है तो उसका स्पीड कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सवाल पढ़िए तो आपको इनिशियल वेलोसिटी कितना, 90 किलोमीटर पर आवर। हम इसलिए बोल सकते हैं इसको कि जो इनिशियल वेलोसिटी होता है उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, यू से, और यू कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। और जब किलोमीटर पर आर रहता है तो इसको मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 5 जा कितना, 19। तो 5 5 जा कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकंड। यानी कुल मिलाकर ये हमें u का वैल्यू हो गया, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर कोई ट्रेन या बस या ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है, यानी कि चलना जस्ट स्टार्ट करता है, तो वहाँ पे यू जीरो लिया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, उसका जो स्टार्टिंग स्पीड है, ट्रेवलिंग स्पीड, वो कितना है, तो 90 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या बोल रहे हैं कि उस पर ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर क्या बोल रहे हैं कि जैसे उस पर ब्रेक अप्लाइड किया जाता है, ब्रेक्स अप्लाइड किया जाता है, इसका मतलब क्या, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे आप ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक दबाते हैं, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है जिसको वी बोलते हैं, उसका वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट पे आप ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक्स अप्लाइड करेंगे, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, और जब भी वो रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना, जीरो। इसलिए सवाल में दिया कि फाइनल वेलोसिटी क्यों, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाइड करते हैं तो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी कितना, तो 0 m/s। इसलिए फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी बोलते हैं, तो वी का वैल्यू हो गया 0 m/s, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक्स अप्लाइड किया जा रहा था, और किसी भी ऑब्जेक्ट पे, बस हो ट्रेन हो, उस पर हम लोग ब्रेक अप्लाइड करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। फिर क्या बोल रहा है कि इससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है,
और एसेलरेशन कितना दिया हुआ है, तो वो एसेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो सवाल ये बोल रहे हैं कि आप ये बताइए कि वो कितना दूर जाएगा ट्रेन, यानी कि एस का वैल्यू निकालना है, ठीक है, एस का वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला होता है, पता है इक्वेशन ऑफ मोशन से एक फार्मूला हम लोग प्रूफ किए हैं। कौन सा फार्मूला भाई, तो 2as = v² - u². यहाँ पे देखिए, अब रहा बात की सर ये फार्मूला का मतलब क्या है, तो ये फार्मूला का मतलब ये हुआ कि हमें a का भी वैल्यू दिया हुआ है, v का भी वैल्यू दिया है, u का भी वैल्यू दिया है, इसलिए हम लोग इसका यूज करके s का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 × a का वैल्यू कितना दिया है, तो माइनस में 0.5, और v का स्क्वायर करना है, मतलब क्या कि v 0 है तो 0 का स्क्वायर, माइनस u का वैल्यू कितना है, तो u का वैल्यू देखिए 25 है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 25 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर अब इसको, सॉरी 2 का a का s का तो निकालना है, तो s का s छोड़ दिया, अब इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, माइनस s इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 25 का स्क्वायर कितना, 625। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे माइनस s इज इक्वल टू -625, और माइनस से माइनस दोनों तरफ कट गया, तो इसलिए हम लोग टोटल डिस्टेंस बोल सकते हैं 625 मीटर आंसर आ गया। यानी कुल मिलाकर सवाल ये बोल रहा था कि एक ट्रेन है जो स्टार्ट हो रहा था 90 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि इनिशियल, और उस इनिशियल को किलोमीटर पर आवर में दिया था, उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और वी का वैल्यू चूँकि ब्रेक्स लगा रहे थे तो 0 हो गया, ए का वैल्यू दिया था, इसका वैल्यू निकालना था, तो हम लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, 2as = v² - u², ठीक है। इन चीज़ों का यूज करने के बाद हम जो है इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा जाए, अ ट्रॉली, TROLLY, ट्रॉली जो नहीं आता है मॉल उल में खींचने वाला, ठीक है, तो वही ट्रॉली, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एसेलरेशन ऑफ 2 cm/s², उसका एसेलरेशन कितना दिया है, 2 cm/s², फुल स्टॉप। व्हाट विल इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्टिंग पॉइंट। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा देखिएगा सॉल्यूशन करके, कि एक ट्रॉली है जो मॉल वगैरह में हम लोग खींचते हैं, जिसमें सामान वगैरह पुट करके, और हम लोग जो खींचते हैं वो ट्रॉली, तो ट्रॉली के बारे में बोला कि एक ट्रॉली है और जब वो गोइंग डाउन, जब वो नीचे जाता है तो वो प्रोड्यूस करता है एसेलरेशन कितना, 2 cm/s². आपको पता है कि मान लिया कि कोई ट्रॉली है और इसको यहाँ पे छोड़ रहे हैं तो नीचे जा रहा है, चूँकि वो इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है ऐसा रास्ता, ढलान रास्ता को बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, और जब भी जैसे यहाँ पे ट्रॉली को अगर हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है, ट्रॉली को छोड़ेंगे तो गोइंग डाउन यानी कि नीचे की ओर जा रहा है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे छोड़े तो स्टार्टिंग पॉइंट कितना हुआ, उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 हो गया, यानी कि सॉल्यूशन में लिखिएगा कि गिवन, हमें क्या क्या गिवन है भाई, तो यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 cm/s। मीटर पर सेकेंड क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए u का वैल्यू 0 cm/s। फिर क्या बोल रहा है कि इसमें जो एसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है
वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, यानी कि इसका फाइनल वेलोसिटी कब होगा जब टी का वैल्यू दिया है 3 सेकेंड। देख पा रहे हो क्वेश्चन, यानी कि टी का वैल्यू 3 सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी पूछा जा रहा है। हम पता है ना फार्मूला के अकॉर्डिंग, फार्मूला में हमको पता है, हम लोग प्रूव भी किए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, कि वी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यू का वैल्यू कितना है 0, ए का वैल्यू कितना है 2, इंटू टी का वैल्यू कितना है 3। इस तरह से 3 2 जा कितना 6, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। तो बहुत सिंपल सवाल था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिख लिया जाए क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। लिखा जाए अ रेसिंग कार हैज़ अ रेसिंग कार, यानी कि जो रेसिंग कार मतलब कि वह कार जो रेस में भाग लेता है, रेसिंग कार। अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। चलिए अब क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। एक रेसिंग कार है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। क्या बोल रहे हैं कि एक रेसिंग कार है, ठीक है। अब रेसिंग कार जो है स्टार्ट होता है, तो रेसिंग कार का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन करते वक्त क्या क्या ध्यान देंगे चीज़ों को। तो एक रेसिंग कार है और उस रेसिंग कार का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, तो जब स्टार्टिंग नहीं पॉइंट पता है तो यहाँ पे लिखिएगा गिवन कि यू नहीं पता है तो यू का वैल्यू 0 मान लेंगे, ठीक है। और इसके वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ए का वैल्यू वो कितना दिया है, ए का वैल्यू तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसमें जो टाइम लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। सवाल में बोला 10 सेकेंड, सेकेंड को एस से सूचित करते हैं, एस से दिखाते हैं, इसलिए 10 सेकेंड। फिर बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, यानी कि एस, एस फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस को एस से दिखाते हैं। तो यहाँ पे फिर से फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला भाई, तो इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तो 3 ही ठो है, वी बराबर यू प्लस ए टी, 2s = v² - u², एस बराबर यू टी प्लस हाफ डे स्क्वायर। तो यहाँ पे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ डे स्क्वायर यूज करेंगे, तो यहाँ पे u कितना, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी यानी कि 10 प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू कितना 4 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 10 इंटू 0 तो 0 प्लस 2 2 जा 4, 10 का स्क्वायर 100, 100 2 जा 200, तो 200 में 0 ऐड करेंगे तो 200 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बशर्ते आपको लैंग्वेज को समझना है कि हमें क्या क्या का वैल्यू दिया है और क्या वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, उसको हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन लिखा जाए, पांचवा क्वेश्चन देखिए, जिसके पास बुक है उसके लिए तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन जिसके लिए बुक नहीं है वो तो उनके लिए तो प्रॉब्लम फेस होगा, तो हम चाहते हैं कि उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का ये बीच का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। लिखा जाए ए स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकल, वर्टिकल का स्पेलिंग VRTICL, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी
विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इफ द एक्सेलरेशन ऑफ इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट अटेंड्स बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। चलिए सवाल कंप्लीट हो गया। अब सवाल को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल ये बोल रहा है कि एक स्टोन को एक पत्थर को हम लोग धरती से ऊपर की ओर फेंकते हैं कितना वेलोसिटी से भाई? तो 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हो गया u, पता चल गया। फिर क्या बोल रहा है कि जैसे ही हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से अगर हम लोग ऊपर ऊपर भेजते हैं तब हम लोग को बोला गया कि इससे जो एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि जब स्टोन नीचे आता है, क्योंकि स्टोन को पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो ऑलरेडी सही बात है कि वो पत्थर दोबारा से नीचे आएगा, और जैसे ही पत्थर अगर नीचे आता है तो आते समय एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसीलिए बोला डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, हम लोग पत्थर को जो फेंक रहे हैं वो अपवर्ड फेंक रहे हैं, मतलब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो जब आ रहा है, जब स्टोन मुड़ रहा है डाउनवर्ड में, तब वो 10 है, इसलिए डाउनवर्ड के लिए हम लोग -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेंगे। ए का वैल्यू माइनस में 10, क्यों? क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है। फिर क्या बोल रहे सवाल? फिर ये बोल रहा है कि इसके लिए फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द स्टोन, यानी कि इसके लिए जब आप ये समझिए कि जब स्टोन फिर से नीचे आ जाएगा धरती पे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप स्टोन को यहाँ से फेंके तो ऊपर से होते हुए फिर नीचे आएगा स्टोन, तो नीचे आएगा तो फाइनली तो रुक जाएगा, और रुक जाएगा इसलिए भी कितना 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में बोल रहा है कि टोटल हाइट निकालिए, यानी कि यहाँ पे हाइट का मतलब ये हुआ कि आपको एस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? तो चलिए अब जरा हम अच्छा से लिखते हैं इसको, ये समझा दिए हम। यहाँ गिवन है, क्या गिवन है भाई? तो यू बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? यू बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही यहाँ से हम लोग भेजे तो दोबारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में -10 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ब्रैकेट में लिख देंगे डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड है इसलिए ए का वैल्यू -10। फिर जैसे ही पत्थर स्टोन नीचे आ जाएगा तो रुक जाएगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से आप जो है ना सबसे पहले टी निकालिए, तभी ना एस निकालेंगे, क्योंकि एस का फार्मूला क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो टाइम का तो यूज करना पड़ेगा, तो आप पहले टाइम निकालिए। तो टाइम कैसे निकालेंगे? तो वी बराबर यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन का मोशन है। वी की जगह पर रखिए 0, यू के जगह पर रखिए 5, ए के जगह पर रखिए -10, और टी के जगह पर टी छोड़ दीजिए। अब जरा देखिए, इधर प्लस में 5 है, इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, और इधर प्लस माइनस क्या? -10 टी।
जैसा कि देख पा रहे होंगे इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो दोनों कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 5, और टी का वैल्यू निकालना है तो टी के बगल में कितना है 10, तो 10 आ जाएगा नीचे, तो इसलिए टी बराबर कितना हो जाएगा तो 5/10 यानी कि 0.5 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से अब हम लोग निकाल लेंगे नाउ, अब एस का वैल्यू निकालना है तो फार्मूला क्या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि सवाल क्या बोल रहा था आप हाइट निकालो, क्या निकालो आप हाइट निकालो, लेकिन हाइट का मतलब यहाँ क्या है डिस्टेंस यानी कि एस निकालना है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यू का वैल्यू देखिए कितना है 5, टी का वैल्यू कितना आया 0.5, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू कितना है -10, तो यहाँ पे लिखिए -10, टी का वैल्यू कितना तो 0.5 और यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन कर देंगे 5 को 0.5 से, तो यहाँ हो जाएगा 2.5 प्लस ओ सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस कितना होगा तो माइनस माइनस कर लेंगे, और 2 से 5 बार में कट जाएगा तो 2 5 जा 10, तो यहाँ टोटल मिला के अच्छा से लिख लेते हैं 2.5, फिर कितना हो जाएगा तो 2.5 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और 2 से 10 कटेगा 5 में तो 5 इंटू, और 0.5 का स्क्वायर तो कितना होगा 0.25, ठीक है, अब यहाँ पे 2.5 माइनस इसको अगर इससे मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो ये कितना बनेगा तो ये जो बनेगा 1.25 बनेगा, ठीक है, जब 5 को 0.25 से मल्टीपल करेंगे तो 1.25, और यहाँ से अगर घटाएंगे तो ये कितना बचेगा तो 1.25 बनेगा, ठीक है, किस में आएगा मीटर में आएगा, तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर करेंगे, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे ये मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है, और फिर आगे की टॉपिक्स जो होंगी साइंस में वो हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक आपका धन्यवाद।